थोड़ा बहुत फनी एलिमेंट तो को आता ही आता आता ही है है। कि जनरल डायर से लेके दया बहन तक मारने अपने फनी वर्सेस के लिए जाने जाते हैं प्रतिष्ठा अनुशासन। अनुशासन। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्यूष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज गाइस हमने बाली एंड 47 का एक और गाना पिक करा है जो अभी कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ है। का नाम है लाठी चार्ज और परफॉर्म एंड रिटन बाय बाली एंड 47, प्रोड्यूस मिक्स बाय एंजो, मास्टर बाय गॉन स्मिथ। एंड वीडियो क्रेडिट्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, कलरिस्ट, वीएफएक्स सभी कुछ अभय सिंह ने करा है। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, बाली अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत फेमस है। 47 ने पहले कुछ ट्रैक्स जो बनाए थे वो काफी अच्छे और सीरियस मोड में थे, अब बाली के साथ वो थोड़ा फनी भी बना रहे हैं और थोड़ा सा अलग जोन में भी जा रहे हैं। तो ये वाला ट्रैक देखते हैं गाइस कैसा ट्रैक है और इस पर हम करते हैं रिएक्ट। तो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके ट्रैक के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई, आज हम आपके सामने लाठी चार्ज लेके आए हैं। सो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। चेक इट आउट गाइस एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें हमारी। अब टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। इस बार लग रहा है कुछ सीरियस बात करने वाले तो नो। बाली के साथ ऐसा होता नहीं है, फिर भी अरे बीट तो बजे। अप्रैल फूल है ये समझ करो सारे मार्च, होली है मार गुब्बारे आज, गाड़ी रोकी नाके पे मामे मुंह पे मारे टार्च, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, सोलर पैनल लेके चलो सारे चार्ज, इतनी चौड़ है कि फूल फटे छाती आज, कुत्ती बेस लाइन बजे टूटे सारे कांच, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, प्रतिष्ठा अनुशासन, थोड़ी सारी परंपरा ठोके सारे कटप्पा, खून में दौड़े धर्मपा, भूख लगी जिन जिन को बोल थोड़ी शर्म खा, 1100 क्या दे रहे दे लिफाफा मोटा सगन का, गलत सीन मलक चीन बॉटम्स अप केरोसिन, बंदी मेरी हेरोइन, डैडी मैं गैसोलीन, केन वाला मास्क लगा दिल्ली में है हेलोवीन, बड़ा भाई छोटा भीम नसों में डोपामीन, स्कूबी डू नहीं रखे यहाँ पे 6-6 फुट के ग्रेट डेन, आंदोलन होगा डांडिया से जनरल दया बेन, आग लगी यहाँ पे लिट गेम, वर्ल्ड कप ना ओलंपिक्स, जेएलएन में स्क्विड गेम, ऐसा कुछ कर खड़े खुद पर रोंगटे आज, ओवरकोट पीकी ब्लाइंडर पूरा गुंडा राज, माँ के हाथ के खाके देसी घी के लार्ज, प्रॉन्टे 5 लौंडे सारे सारे सुपर चार्ज, फूल है ये समझ करो सारे मार्च, होली है मार गुब्बारे आज, गाड़ी रोकी नाके पे मामे मुंह पे मारे टार्च, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, सोलर पैनल लेके चलो सारे चार्ज, इतनी चौड़ है कि फूल फटे छाती आज, कुत्ती बेस लाइन बजे टूटे सारे कांच, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज गाड़ी थार। भाई बाली से जैसा एक्सपेक्टेड होता है ना, बाली वही काम करते हैं। हाँ। बाली अगर सीरियस बात भी बोल रहे होंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत फनी एलिमेंट तो आता ही है। अब यहाँ पे वो बात स्टाइल ही वैसा, हाँ बात वो थोड़ा सीरियस ही कर रहे हैं, पर उन्होंने जिस तरह के पंचेज डाल रखे हैं, जिस तरह के वो चीज अलग अलग शब्दों के साथ खेला, जैसे एक जगह पे मैंने सुना अभी कि वो बोल ही रहे हैं कि जनरल डायर से लेके दया बहन तक मार्च करके समथिंग कुछ ना वाला उन्होंने डाला है, तो बहुत ही सही उनका वो जो रहता है यार फ्लेवर ना, उसी टच में उन्होंने बनाया है। अब जरा चलते हैं डिकोडिंग की तरफ। का जो कोरस है वो बोल रहे हैं, अप्रूल फूल है ये समझ रहे हो मार्च, होली है, होली है मार गुब्बारे आज, गाड़ी रोकी नाके पे मुंह मामे मुंह पे मारे टॉर्च, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, सोलर पैनल लेके चलो सारे चार्ज, इतनी चौड़ है कि फूल फटे छाती आज, कुत्ती वैसलीन बजे टूटे सारे सारे कांच, बेस लाइन बजे, हाँ। और होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, तो इस तरीके का हुक है। बाली अपने फनी वर्सेस के लिए जाने जाते हैं। थोड़ी बहुत उनके ये होता है कि आप जिस तरीके से वो वीडियो में भी दिखते हैं और जिस तरीके से वो वर्ड्स भी कहते हैं ना, उसमें थोड़ा फनी एलिमेंट तो रहता ही है। वो उसी तरह से उनका बोलने का तरीका भी रहता है। अब उसने जब वो आगे बढ़े तो बोल ही रहे, बाली जब बोल रहा
वो डाल दिया उन्होंने, प्रतिष्ठा अनुशासन थोड़ी सारी परंपरा ठोके सारे कटप्पा खून में दौड़े धर्मपा जी को बोल रहे हैं। भूख लगी जिन जिन को बोले थोड़ी शर्म खा, 1100 का क्या दे रहा है ये लिफाफा मोटा शगन का, गलत सीन बॉटम अप कैरोसिन, बंदी मेरी हीरोइन डैडी मैं गैसोलीन, केन वाला मास्क लगा दिल्ली में है हैलोवीन, बड़ा भाई हाँ WWE का केन, हाँ वही 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 बड़ा भाई छोटा भीम, नसों में डोपामीन, स्कूबी डूबी नहीं रखे ये है 6-6 फुट के ग्रेट डेन। अच्छा स्कूबी डू वाला डॉग नहीं रखते हैं, अच्छा, ग्रेट डेन रखते हैं हम 6-6 फुट वाला। तो अब आप गाइस आप वही देखिए, जब वो हाँ जब वो बोल रहे हैं तो उनका जो आप देखो ना उनके हर उसमें जो उनके रेफरेंसेस हैं, तो पहले तो उन्होंने वो प्रतिष्ठा वाला जो अमिताभ बच्चन जी का लेजेंडरी डायलॉग है उसको थोड़ा कॉमिक वे में लाया है। पॉप कल्चर के काफी रेफरेंसेस रहते हैं, जैसे स्कूबी डू का दे रखा है, कटप्पा का दे रखा है, मोहब्बतें का दे रखा है, धर्मपाजी का दे रखा है, धर्मपाजी का जो पॉप कल्चर के जो रेफरेंसेस है ना वो इनके रैप में ज्यादातर आपको देखने को हाँ, मिलेंगे रहते और फिर हैं फिर वही कॉमिक टाइम लिया एक भी तो 1100 का लिफाफा क्या दे रहा है, जब शगन दे रहा है तो थोड़ा मोटा शगन दे, ठोके सारे कटप्पा और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो बाली यार जाने जाते हैं इस चीज के लिए आप, पर ये है कि कॉमेडिक टाइमिंग तो साइड अपार्ट जो भी रहती है उनकी, पर फ्लो और रैप जिस तरीके से करते हैं ना वो उनका एक अपना स्टाइल बना चुके हैं, मतलब आप कह सकते हो कि बाली का एक अपना अलग रैप स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत हमेशा सरकास्टिक मोड में लगते हैं मुझे, वो सही बताओ मैं वो कॉमिक में भी कर रहा हूँ या वैसे भी कर रहा हूँ तो सरकास्टिक मोड में रहते हैं और बोल ही रहे हैं जैसे आंदोलन होगा इंडिया में जनरल डाया बेन, वो जनरल डायर से दया बेन, भाई साहब यही ना वर्ल्ड प्ले भी काफी अच्छा किया, काफी अच्छा करते हैं। हेलो आग लगी यहाँ पे, लिट गेम, वर्ल्ड कप ना ओलंपिक्स, जेएलएन में स्क्विड गेम, ऐसा कुछ कर खड़े खुद पर, रोंगटे आज ओवरकोट, पीकी ब्लाइंडर्स पर गुंडा राज, माँ के हाथ के खा के देसी के लार्ज और पराठे पांच, लौंडे सारे सारे सुपर चार। तो वो देखो ना यहाँ पर दया बेन तुम्हारी जो उल्टा चश्मा से आती हाँ, है ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा स्क्विड गेम जो कोरियन सीरीज थी उसका है यहाँ पर, फिर तुम्हारे ओलंपिक्स का पीकी ब्लाइंडर्स का रेफरेंस, ये सारे के सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेज ही हैं, मतलब जैसे बोलते हैं अगर पीकी ब्लाइंडर्स ले लो, स्क्विड गेम ले लो, ये सारे पॉप कल्चर सीरीजेज हैं, इनको काफी लोग पसंद करते हैं तो वो अपने रैप में इस तरीके के रेफरेंस दे और फिर बोल ही रहे। देखिए जो लास्ट है इन्होंने बहुत फनी वे में बोले कि माँ के हाथ के खा के देसी घी के लार्ज पराठे पांच, पराठे पांच हाँ, लौंडे सारे सारे सुपर चार्ज। तो फिर तो ये फिर बाकी उनका हुक स्टार्ट हो गया 47 का वर्स आएगा गाइस, तो चलिए 47 क्या क्या काटी बार बैठे साथी चार, खोल पंजा छोड़ टोल डंडा तोड़, जाती पार सड़कों पे बवाल करते शर्तों में अदा, चाहे जीते या हारे निभाते मर्दों की तरह, आ लड़के पहुंचे घर पे एक बार कहने का, काम इतना मैंने जग को रखना पड़ रहा मैंने जग, आ आज तेरे दिल में जो मैं कहने चाह, तेरी कुंडली का फर्नीचर बना के बैठा शनिचर, बोला मेरे पीछे संकट मोचन, ओह माय किचन प्रोनाउंस ही हीम क्रीम चामुंडा विच शैतान की भी फटे इसे नीचे कैसे खींचे, देयर इज अ रीजन तेरे भाई की जो इतनी बड़ी रीच है, न करे जो न मन जय वीरू तो रतन, हर डील से पहले करे एक खोखा डन, हाथ पड़े गाल पे तो कान बने चाइनीज ईयरफोन्स, एक से सुनाई देगा एक होगा बन, अप्रैल फूल है ये समझ करो सारे मार्च, होली है होली है मारो गुब्बारे आज, एक तरफ से सुनाई देगा ये के पे मामे मुंह पे मारे टॉर्च, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज, सोलर पैनल लेके चलो सारे चार्ज, इतनी चौड़े की फूल फटे छाती आज, कुत्ती बेस लाइन बजे टूटे सारे कांच, होगा लाठी चार्ज, होगा लाठी चार्ज। तो भाई यार इनका भी देखो, इन्होंने भी हपक के जिसे बोलते हैं ना हपक के लपक रखा है, बिल्कुल लपक भी रखा है और हपक के इन्होंने ना इन्होंने भी वही पॉप कल्चर रेफरेंसेस दे रखे हैं काफी जगह पे, काफी अच्छे अच्छे रेफरेंसेस को, तो जैसे यहाँ पर एक रेफरेंस इन्होंने जो ये मारा ना, ये आजकल मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारे रैपर्स ना शॉर्ट्स ले रहे हैं प्रोनाउंस पे, जो ये कृष्णा ने ही कर्मा ने लिया है, किंग ने लिया था, सीधे मौत ने लिया था एक जगह पे, तो
ये जो जो वेस्ट का वो आ रहा है ना, एक तरीके की आइडियोलॉजी है कि प्रोनाउंस ही हिम, पेरेंट वन पेरेंट टू, मदर फादर नहीं कहना है, पेरेंट वन पेरेंट टू। तो उसपे ना इंडियन रैपर्स बहुत तगड़ी तरीके से शॉट ले रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से शॉट लिया है ना भाई, प्रोनाउंस ही हिम कलिंग चमंडाई बिच्चे जो हिंग 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 जो ब्लैक उसमें हिंदू उसमें काली माँ के लिए यूज करते हैं कल्चर हिंग करके, तो उन्होंने वो ही हिम पे शॉट बहुत सही तरीके से यूज किया है यार भाई। ये जो सही बताऊं तो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर के चोचले हैं जो ये ही हिम ड्रामे, और सही शॉट ले रखा है उन्होंने, सही शॉट ले रखा है, सही बात है। तो जैसा बोल ही रहे हैं कि होगा लाठी चार्ज, गाड़ी थार कड़ी भार, बैठे साथी चार, खोल पंजा छोड़ टॉल और डंडा तोड़ जाति चार, जाति पार, जाति पार, ठीक है। अच्छा, डंडा डंडा तोड़ जाति पार, ठीक है। सड़कों पे बवाल करते शर्तों पे अदा, चाहे जीते या हारे निर्भाते मर्दों की तरह। अरे नाइस यार, तो लिखा बढ़िया है। यहाँ पर मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, होगा लाठी चार्ज, गाड़ी थार कड़ी खड़ी भार, बैठे साथी चार। तो लाइन टू लाइन तीन तीन वर्ड्स के बाद, सिलेबल के बाद उन्होंने राइम करवाया, राइम करा रखा, बहुत बढ़िया करवा। होगा लाठी चार्ज, गाड़ी थार खड़ी भार, बैठे साथी चार, खोल पंजा छोड़ टोल, डंडा तोड़ जाति पार। मतलब ये पूरे ही उन्होंने कारकले बोल रहे हैं कि डंडा तोड़ के जाति पार, जाति और सड़कों पे बवाल करते शर्तों पे अदा। और चाहे जीते या हारे निभाते मर्दों की तरह। बहुत सही लाइन है ये, चार लाइन का जो वर्ड्स है ना, बहुत सही लिखा। पर हम वैसे मर्दों की तरह ही निभाते, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो लड़के घर लड़के पहुंचे घर पे एक बार कहने पर, और काम इतना मैनेजर को रखना पड़ रहा है, मैनेजर यार 47 की यही चीज ना, कि काम इतना हो गया कि मैनेजर को भी मैनेजर रखना पड़ रहा है। आज तेरे दिल में जो है कह दे चल, तेरी कुंडली का फर्नीचर बना के बैठा सनीचर, और भोला तेरे पीछे संकट मोचन ऑन माय की चेन। बहुत बढ़िया बोला, यहाँ शिव शंकर को बोल रखा है, फिर तेरा की चेन पे संकट मोचन है, और फिर यहाँ हिंग हिंग चामुंडा काली माता पे, शक्ति पे वो कर रखा है। तो तीन देवता गॉड गॉडेस एक लाइन में, हनुमान जी और काली माता। हाँ, और फिर उसकी अगली लाइन में जहां पर इन्होंने ये बोल रखा है, प्रोनाउंस ही हिम क्लिंग चामुंडा विच्छे, और शैतान की भी फटे इसे नीचे कैसे खींचे। भाई गजब लिख रखा है यार, क्या लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखा है। और इसके बाद कह रहे हैं, देयर इज अ रीजन तेरे भाई की जो इतनी बड़ी रीच है, ना करे जो ना मन, जय वेरु दो रतन, हर डील से पहले कर रहे खोया खोका, एक खोका डन, हाथ पे पड़े गाल पे तो कान बने चाइनीज एयरफोन। एक कान पे चलने लगता है ना ज्यादातर, एक से सुनाई देगा एक होगा बंद। तो आगे उसे सही रेफरेंस दिया भाई, वो चाइनीज एयरफोन आपने भी यूज करे होंगे, 100-150 रुपए वाले, वो चलते चलते कई बार एक ही कान का बजता है, फिर बंद हो जाता है दूसरा, और वो बाली का कोरस आ जा रहा है फिर उसके बाद। और यार यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है 47 ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिखा है, वो उनका ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पुराने गाने भी सुनोगे ना, तो जब वो इस चीज पे लिखते हैं तो बहुत तगड़ा लिखते हैं, बहुत तगड़ा। खास करके ये एक ऊपर का जो जहां से उनका वर्ड शुरू, थार वाला वर्ड, थार वाला शुरू, और वो जहां पे भगवानों के रेफरेंसेस तीनों के, खास करके ये लाइन प्रोनाउंस ही हिम, ये तो बहुत, ये तो मतलब चुम्बेश्वरी लाइन है यार, ये समझना चाहिए सबको गाइस। ये ना वेस्ट का बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा, ही हिम हर हिज, पता नहीं क्या क्या। फेसबुक पे नहीं, इंस्टा आईडी बताऊं तो वहां पर ना वो आपसे जेंडर की जगह ये पूछ रहे हैं कि आपकी जेंडर क्या है, और उसमें ना ही नहीं लिखा हुआ है, ही या शी नहीं लिखा हुआ है, या फीमेल या मेल नहीं लिखा, ही शी दे देम, आप कौन से हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नया तुम अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हो ना यार हम पे, और ये इंडियन रैपर्स ना बहुत सही तरीके से इसको ना वो शॉर्ट है। इवन कृष्णा ने भी ले रखा है, ले रखा है, मैंने अभी कुछ रैप कर्मा को देखा था, सुना था, अभी सीधे मौत ने इस तरीके से उन्होंने भी लिया, वो ले रहे हैं, ले रहे हैं, सही ड्रामे में शॉर्ट ले रहे। तो गाइस गाना तो बहुत ही मजेदार, बहुत तगड़ा है, बहुत ही, आपको इसमें दोनों चीजें, सीरियस पार्ट भी मिलेगा, थोड़े फनी सरकास्टिक पार्ट भी मिलेगा, और दोनों का फ्लेवर है, दोनों का ब्लेंड है, दोनों ही फ्लेवर्स को ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करा गया, तो सुनने में मजा बहुत आ रहा है गाइस गाने को। तो जाइए गाइस इस गाने को जरूर चेकआउट करिए अगर अभी तक आपने गाना नहीं सुना है, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, हमारे साथ गाने को एंजॉय करिए, डिकोडिंग करिए, थोड़ा सुनिए, आप अपनी बताइए और हमारी भी सुनिए, और जो आपको एक्स्ट्रा समझ में आया, जो आपने शायद डिकोड कर लिया और हमने नहीं करा, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, राइट। और ऐसे ही गाइस हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहिएगा। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। Till then, we are Jewel Brothers signing off.
जय हिंद, जय श्री राम।